Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tough. छिबियो, अगर तुम मेरी आज की वीडियो को हल्के में लेने की गलती कर रहे हो ना, तो तुम अपने जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे को निमंत्रण दे रहे हो। सो व्हाट्स अप एनीमे, एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नॉट्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मेरे पापा छिबियो, कैसे हो छिबियो? यारो भाइयो, मेरा पूरा हफ्ता, ये पूरा हफ्ता जिस तरीके से बीता है ना, जिस पागलपन में, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। एग्जीक्यूटिव, डबिंग डायरेक्टर्स, वॉइस एक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, काफी लोगों के मैसेजेस आए, काफी सारे लोगों से मैंने बात की, जूम कॉल्स हुए, हम सब के बीच काफी बड़ा डिस्कशन हुआ कि डेमन स्लेयर के तीन अलग अलग वर्जन के डब क्यों घूम रहे हैं, क्यों सर्कुलेट हो रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। डेमन स्लेयर बड़ा नाम है, डेमन स्लेयर का चौड़ है कलेक्शन, जो मूवी का आया, जो व्यूज जो कंट्रोल को दिखा, जो हाइप जो हमारे जियो ने मचाया, वो सब चीजें एक जगह पर अच्छी लग रही हैं, पर इतने वर्जन का होना बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और अभी एनिमे बूथ का जो वर्जन है वो आना बाकी है। तो सबसे पहला सवाल, क्या इतने वर्जन का होना इंपॉर्टेंट था? क्या इतने वर्जन जरूरी थे? दूसरा सवाल, म्यूज इंडिया और जियो के बीच क्या डील हुई है? डबिंग किसने करवाई है? किसके तरफ से हुई है? किसने पैसा लगाया? किसके वॉइस एक्टर्स थे? कितना किसका प्रॉफिट जा रहा है? तीसरा सवाल, एनिमे बूथ का डब कब आएगा? उसने डबिंग में आपको चेंज किया या नहीं किया? क्रंचीरोल का इस पे क्या रिएक्शन है? सबके बारे में डिटेल में एक पूरा फाइनल कंक्लूजन तुम्हारे आगे मैं आज की वीडियो में रखूंगा, जिससे जितनी भी मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, जितनी भी कंट्रोवर्सीज फैल रही है, उन सब पे एक लगाम लगे, एक फुल स्टॉप लगे, तुम्हारे आगे क्लियरिटी लगे और तुम सबको पता लगे कि असली में सच क्या है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और भाई तगड़े तगड़े मीम इंस्टा पे आ रहे, वहां पे फॉलो याद से मारना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. I go shit talk this Mahakal ka sir. Mahakal I go shit talk this. नहीं ते preocupa sa ali ki bata saka 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 छिबियो, सबसे पहले चालू करते हैं उस कांड से जिसने इस पूरे के पूरे कंफ्यूजन को जन्म दिया, यानी हमारे क्रंचीरोल का हिंदी डब। जो अपने लिए जिया वो क्या ही जिया, ना उम्मीदों की उम्मीद बनो, बहुत दुआएं मिलती हैं। देखो यार, डबिंग तुम्हारे सामने है। इस डबिंग की सबसे पहली गलती यही थी कि ये सीजन 2 से आया। सीजन 2 के आने का मतलब यही है सीजन 1 पूरा स्किप हो गया, जिसने इस पूरे के पूरे कंफ्यूजन को एक जड़ देने का काम किया। पर ये चीज वहीं रुक जाती अगर क्रंचीरोल थोड़ा ढंग का डब करवाता, कॉस्ट कटिंग नहीं करता, कटौती नहीं करता, हमारे पूरे के पूरे डबिंग आर्टिस्ट के साथ मजाक नहीं बनाता। क्योंकि जो स्क्रिप्ट राइटिंग हुई, जो वॉइस एक्टर्स हायर हुए, जिस टाइप से एडिटिंग करवाई गई है, वो काफी ज्यादा लेजी फील हो रही थी। जो अटैक्स मिले थे, जो नाम मिले थे, जिस तरीके से डबिंग हो रही थी, वो कहीं पे भी बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मेंटेन करने में कामयाब नहीं रही। लोग 50-50 बट गए। कुछ लोग खुश थे कि डब आ गया, हमारे लिए इतना काफी है। कुछ लोग कह रहे थे कि डब थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, और जो लोग कह रहे थे डब थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। और इसी की वजह से, इसी चीज को देखकर हमारा म्यूज थोड़ा नया सा आइडिया लाने लगा। उसका जो आइडिया था उसने जाके जियो को सुनाया, जियो ने हाँ बोला, क्योंकि वो एनिमे को पहले से ही लाना चाहते थे। तो जियो की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, म्यूज ने अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया, दोनों के बीच डील हुई। उसके बाद जितना भी इक्विपमेंट का काम था, जितना भी स्टूडियो काम था, जितना भी लोकेशन काम था, वो सारा काम जियो ने देखा। पर जितने भी वॉइस एक्टर हायर करने थे, जितने भी स्क्रिप्ट राइटर हायर करने थे, जितने भी एडिटर्स हायर करने थे, जितना भी मेंटेन वाला काम था, जहां पे लोगों की जरूरत थी, जहां पे एक्सपीरियंस बंदों की जरूरत थी, वो सारा काम म्यूज ने संभाला। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन हुआ, इस तरीके से आइडिया का जन्म हुआ, और इस तरीके से ये डब हमारे सामने आया। और इसी चीज ने म्यूज के अंदर परफॉर्मेंस का प्रेशर डाल दिया, प्रेशर जियो की तरफ से, प्रेशर ऑडियंस की तरफ से, प्रेशर जो उनने पूरा के पूरा जो मार्जिन सेट किया अपनी डबिंग से यूट्यूब वाले, उस वाले प्रेशर के कारण, वो जो एक्सपेक्टेशन के कारण जो दब रहे थे ना, वो बस वही जानते थे। इसलिए जो बजट था, जो पूरा के पूरा जो कॉस्ट कटिंग थी, वो ये लोग कहीं भी कर ही नहीं पाए। इसलिए संकेत मात्रे को अप्रोच किया गया, इसलिए हमारे बड़े से बड़े जितने वॉइस एक्टर्स हैं, सबके सब तक
तक बात गई, क्योंकि अगर एक डब जियो का अच्छा निकल जाता है तो जियो का जो नाम था वो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत जल्दी स्काई रॉकेट की तरह राइज अप कर जाता, ये बात ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे। पर बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, बात तो यहाँ से चालू हुई है। जहाँ पे म्यूज अपना नाम बहुत जल्दी बहुत ऊंचाई तक लेके जा रहा है, वहीं पे लोग उसकी टांग खींचने के लिए पीछे से खड़े हैं। जहाँ पे सबसे पहले हमारा अमेज़न प्राइम है, जिसके लिए उन्होंने जुनजीतो कलेक्शन को डब किया, रेंट अ गर्लफ्रेंड को डब किया, हमारा क्रंची रोल जिसके लिए उन्होंने स्पाइक्स फैमिली को डब किया, एसैसिनेशन क्लासरूम को उन्होंने डब किया, अभी हमारा जियो जिसके लिए उन्होंने अभी हमारी डेमन स्लेयर को डब किया, आने वाली हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमे टोक्यो रिवेंजर्स को डब किया। तो इन सब के कारण हमारा म्यूज कहीं ना कहीं बीचों बीच फंस गया है। तीनों तरफ से रस्सी खींची जा रही है, तीनों लोगों की तरफ से मीटिंग बुलाई जा रही है, पर म्यूज किसकी साइड लेगा? या तो वो अपनी साइड ले यूट्यूब पे, या तो वो जियो की साइड ले, या तो वो अमेज़न प्राइम की साइड ले, या तो वो क्रंचीरोल की साइड ले। और जब इतनी रस्सियां पकड़ती है ना, जब इतनी रस्सियां खींचती है ना, तो बंदा पागल होने लगता है। और यही चीज देखना है कि फ्यूचर में किस तरफ हमारा म्यूज झुकता है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि म्यूज इतना कैसे फंस गया, म्यूज को सब लोग इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस गड्ढे में म्यूज ने खुद को खुद ही डाला है, मतलब अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। म्यूज ने बोला है कि वो एक लाइसेंसिंग कंपनी है, पर वो साथ ही साथ एक डबिंग कंपनी बनना चाहती है। वो आने वाले वक्त में हमारे लिए काफी सारी एनिमे जिसमें सबसे बड़ा नाम है फेरी टेल का, उसको लाना चाहती है। और जब भी वो किसी भी कंपनी को लाइसेंस के लिए एनिमे देती है तो उसको साथ ही साथ रिकमेंड करती है कि हमारे पास खुद का डबिंग स्टूडियो है, अगर आपको डबिंग करवाना हो तो हम लाइसेंसिंग प्लस डबिंग इस तरीके से कॉस्ट कटिंग आपको काफी तगड़ा ऑफर दे देंगे। तो इसी तरीके से अमेज़न ने ऑफर दिया, इसी तरीके से हमारे जियो ने ऑफर दिया, क्रंचीरोल ने ऑफर दिया, और इसी ऑफर के कारण आज हमारा म्यूज इस हालत में है। और इस हालत का फायदा तीन लोग उठा सकते हैं। पहला हमारा जियो, जो डबिंग बंद करवा दे और खुद डबिंग करना चालू कर दे। दूसरा हमारा सोनी, जिसके पास पीछे से काफी तगड़ा सपोर्ट है, एयरटेल का, टाटा स्काई का, आने वाले टाइम में काफी और बड़े बड़े डिशेस का भी सपोर्ट आएगा। और फाइनली हमारा तीसरा बंदा कार्टून नेटवर्क, क्योंकि कार्टून नेटवर्क का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ज्यादा क्लीन है। चाहे हमारा ड्रैगन बॉल हो, चाहे हमारा माय हीरो एकेडमिया हो, अभी चल रहा वन पीस हो, उनने जो फीडबैक लिया है, उनने जो लोगों की बातों को कंसीडर किया है, वो ज्यादा चेंज किया है, उनकी जो बातें उनको सुना है ना, उसके कारण इन सब की कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अब इस वीडियो को कंक्लूजन की ओर लेके जाऊं तो तुम्हारे आगे तीन जो मेजर पॉइंट है उनमें से पहला है क्रंचीरोल। क्रंचीरोल जिसने मार्केट शेयर के मामले में 53% का मार्केट शेयर अपने पास रखा हुआ है, वो बहुत जल्द गिरने वाला है। वो 31, 32, 33 पे पहुंच जाएगा। उसके बाद म्यूज का राइज अप आएगा, जहां पे वो जियो के साथ, जहां पे वो क्रंचीरोल के अपने डब के साथ, जहां पे वो अमेज़न प्राइम के साथ मिलके काफी बड़ा मार्केट शेयर अराउंड 40% का अपने पास रख लेगा। उसके बाद जो 30% बचा उसमें आएगा हमारा सोनी, ये हमारा कार्टून नेटवर्क, हमारा एनिमे बूथ, और इसी कारण जो काफी बड़ा मार्केट शेयर है, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा। पॉइंट नंबर 2, एनिमे बूथ अपनी डबिंग करवा रहा है, डेमन स्लेयर की डबिंग आएगी, तुम्हारे सामने रखी जाएगी, क्योंकि वो डब ऑलरेडी चालू हो चुका है। और उस डब को चेंज करना, अब जियो के साथ जाके पार्टनरशिप करना, ये सब चीजें अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनकी डबिंग तुमको देखने को मिलेगी और उसके बाद चालू होगा असली कंपैरिजन। और पॉइंट नंबर 3, क्रंचीरोल ने ऑलरेडी ऑफर भेज दिया है हमारे जियो को, हमारे म्यूज को, उनका डब खरीदने के लिए, अपने ऐप, अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे दिलवाने के लिए। अगर हमारा म्यूज, अगर हमारा जियो हाँ करता है तो उनका डब तुम्हें क्रंचीरोल पे बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। पर अगर गलती से ना होती है तो ये एक ऑल आउट वॉर होगी, क्योंकि हमारा क्रंचीरोल फिर खुद डब करवाएगा, फिर खुद रिलीज करवाएगा। जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो पूरा के पूरा फ्रेंडशिप था, चाहे वो म्यूज क्रंचीरोल के बीच हो, म्यूज अमेज़न के बीच हो, म्यूज हमारे जियो के साथ हो, वो सारी चीजें बिगड़ने लगेगी। तो कहीं से भी जो जितना भी भाईचारा है, जितना भी भाईगिरी है, जितना भी फ्रेंडशिप है, कहीं से भी छोटा सा भी कहीं भी दरार आता है ना, बहुत बड़ा जोखिम हम सारे एनिमे फैंस को उठाना पड़ेगा। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना, तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मामले, इस पूरे मसले, इस पूरे पागलपन पे, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि भाई मेरा दिमाग चकरा रहा है। सो आज की वीडियो कहीं रैप पढ़ूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो। किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से जरूर करना इस वीडियो को। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।言葉なんかじゃない、一つ叶わない、わかる。